हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नन्ही व्लॉग्स में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो आपने मेरी पहली वीडियो में इतना लव और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा मेरे दोस्तों। आई होप ऐसे ही प्यार और ऐसे ही सपोर्ट मुझे मेरे आने वाली वीडियो में आप करते रहेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो भी IRCTC बेस्ड ही है। IRCTC पर एक महीने में आप कितनी टिकट बुक कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और एक इन्फॉर्मेशन और ऐड करूंगा इसमें कि आप एक महीने में टिकट जो बुक करते हैं वो 6 टिकट बुक करते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप एक महीने में IRCTC एप्लीकेशन के थ्रू सिर्फ 6 टिकट बुक कर सकते हैं एक महीने में। मैं आपको बताऊंगा इसका डबल आपको कैसे करना है, आपको 12 टिकट का ऑप्शन कैसे मिल सकता है। हाँ जी दोस्तों, आप अपना आधार कार्ड अपने IRCTC अकाउंट के साथ लिंक करके आपको 12 टिकट ऑप्शन मिल जाता है, 12 टिकट बुक करने का एक महीने में, जो कि पहले 6 टिकट ही बुक कर सकते हैं अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है। आधार कार्ड लिंक करते ही आपको वो 12 ऑप्शन मिल जाता है 12 टिकट। दोस्तों, अगर आप IRCTC एप्लीकेशन के थ्रू टिकट बुक करते हैं और आपके पैसेंजर 6 से ज्यादा हैं, तो आपको एक टिकट में 6 पैसेंजर ऐड करने की अलाव है, 6 से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पैसेंजर ऐड करने हैं तो उसके लिए आपको न्यू टिकट बुक करना पड़ेगा। लाइक आपके 10 पैसेंजर जा रहे हैं तो एक टिकट में 6 पैसेंजर आपको ऐड करने हैं, और आगे वाले जो आपके नेक्स्ट पैसेंजर है वो आपको नेक्स्ट टिकट में बुक करने हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको IRCTC एप्लीकेशन ओपन करनी है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। सबसे नीचे माई अकाउंट का ऑप्शन आएगा होम के राइट साइड में, क्लिक ऑन माई अकाउंट, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एंटर 4 डिजिट पिन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको 4 डिजिट का अपना एंटर पिन करना है जो आपने न्यू अकाउंट बनाते टाइम बनाया होगा। नीचे आपको कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करने का नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करेंगे सबसे नीचे अगेन आपको माई अकाउंट का ऑप्शन आएगा, माई अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप ऑप्शन आएगा आपको लिंक और आधार पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आधार KYC ऑप्शन आएगा लिखा हुआ, यहाँ पे आधार की आपको डिटेल फिल करनी है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, राइट साइड सेंड OTP करना है, यहाँ पे आपको OTP फिल करना है। नीचे आपको अपडेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको आधार KYC अपडेट KYC पे क्लिक करना है, यहाँ ओके पे क्लिक करना है। डिटेल्स पे योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, आपका आधार आपके अकाउंट से लिंक हो चुका है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं ट्रेन से, अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव ट्रेन से ट्रैवल ज्यादा करते हैं तो वीडियो आपको शेयर कर सकते हैं उनको, ताकि उनको पता चल सके कि 12 टिकट का ऑप्शन उनको कैसे मिल सकता है। बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जरूर शेयर करना वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को एंडिंग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन बटन दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, वियर मास्क, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और एक नई वीडियो के साथ।